आज हमारी जो ये संघर्ष समिति के साथ 3-4 दिन से हमारी बातचीत चल रही थी, जो इनकी दिनेश हैं, सुशील हैं, ये इनके साथ हमारी 4 दिन से बातचीत चल रही थी इस मैटर को लेकर के धरने को उठाने से। 270 दिन से इन्होंने यहाँ धरना लगाया हुआ था, तो आज हमारी एक इन्होंने मांग पत्र दिया था, उस पर हमारी सारी सहमति बन चुकी है और सभी मांगें इनकी पूरी कर दी गई हैं, जिसमें इन्होंने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। तो आज जो हमें मीटिंग करके हमने पूरी सभी मांगों पर इनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी संपूर्णतः सहमति बन चुकी है जी। और आगे भी गांव में भी भाईचारा एक संदेश जो है, हमारी तरफ से भी ये संदेश है कि आगे भी भाईचारा बना रहे, गांव में शांतिपूर्ण तरीके से रहें, कोई ऐसी दोबारा ऐसी बात ना हो, उसके लिए भी हम आपके पत्रकार साथियों की माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि सभी लोग आपस में भाईचारे से रहें, प्यार प्रेम से रहें, ऐसी नौबत ना आए कि लोगों को इतना परेशान होना पड़े। हर दोनों पक्षों से ही परेशानी सबको होती है, इनको ज़्यादा होगी उनको कम होगी, लेकिन परेशानी सबको होती है। तो इसी यही मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग आपस में प्यार प्रेम से और भाईचारे से रहें। होती रही हैं, बीच में कुछ मांगों पे कभी सहमति बन जाती थी, कुछ पे नहीं बनती थी, तो ये एक समय होता है। आज एक अच्छा समय था कि आज हमारी सारी बातों में सहमति बन चुकी है, एक समय बहुत अच्छा समय जो है ना आया है, इनका भी, इन लोगों का भी धरना आज समाप्त हो रहा है। तो मांगे हमने सारी इसमें मांग ली हैं, सहमति बन चुकी है, सभी मांगों पे सहमति होगी। जो इन्होंने हमें मांग पत्र दिया था उस पर लगभग सभी मांगों पे हमारी सहमति बन चुकी है। ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले जींद प्रशासन का, जिन्होंने मतलब काफ़ी लंबे समय से, आज 276 दिन हो गए थे हमें यहाँ बैठे हुए, और बीच में हमारी दर्जनों बार पहले भी मीटिंगें प्रशासन के साथ हो चुकी हैं, लेकिन किसी कारणवश उन मीटिंगों का रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। वो हमारे लिए ये लगाओ कि दुर्भाग्य है हमारा कि इतना लंबा संघर्ष हमने जायज़ मांगों के लिए करना पड़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं आकर के इस मामले में DSP साहब ने ये मध्यस्थता की और जो बची हुई मांगे थी, क्योंकि पूर्व में जितनी हमारी टोटल मांगे लेकर हम यहाँ बैठे थे उनमें से ज़्यादातर मामले कोर्ट में चले गए, तो इसलिए अब कुछ आधी के करीब मांगे हमारी बची हुई थी। जब पूर्व में जितनी हमारी मीटिंगें हुई थी उनमें वो कोर्ट में मामले तब तक गए नहीं थे, इसलिए हमारी अड़ाई थी इस बात की कि वे आरोपियों की गिरफ्तारी भी, चाहे वो छात्र वाला मामला, चाहे वो खरगादिया वाला, चाहे वो खप्पड़ वाला मामला है, उनमें आरोपियों की गिरफ्तारी समय रहते होनी चाहिए थी, लेकिन वो जब वो गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो सारे मामले किसी में सीधा डायरेक्ट केस में चलान पेश कर दिया गया, कोई एक आदमी मुकदमे कैंसिलेशन कर दिए, वो भी कोर्ट में चले गए, हमने अपील लगाई है दोबारा से उन मुकदमों को बहाल करने के लिए। और अब जा करके जो हमारी बची कुछ मांगे थी, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मांगे थी, वो जायज़ मांगे थी, उनको लेकर के अब दोबारा से DSP साहब के माध्यम से ये दोबारा से ये सिलसिला जारी हुआ, मीटिंगों का लगभग 4 दिनों से ये मीटिंग चली हुई थी, जिसमें गुरुदास जो ये धर्मशाला इनकी जो कमेटी है इनका पूरा अहम रोल रहा है, और हमारे जो मंजीत मेहरा जी हैं, जो भाई जिनका इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है मध्यस्थता करवाने में, और फिर DSP साहब ने मध्यस्थता की और SP और DC साहब के साथ में बैठ के सारी बात की, और तब जा करके हमारी मांगे आज लगभग 90% मांग ली गई है। क्या आने वाले टाइम जी, इसमें एक मामला गांव छत्र का है जिसमें गिरफ्तारी पेंडिंग है, छत्र गांव के 3 मामले FIR दर्ज हुई थी, जिनमें 2 मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 मामले में पेंडिंग है, उसकी गिरफ्तारी आने वाले समय में एक गिरफ्तारी डलेगी उसमें जी। हमारी आज बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल 4-5 दिन से लगातार जो मीटिंग हमारी चल रही थी, आज सारी सहमति पे हमारी आज उन पर मोर लगी है। जो पीड़ित समाज वर्ग थे, जो हमारे साथी थे, चाहे वो खरगादिया गए थे, खप्पड़ गए थे, सत्र गए थे, सबने सहमति जता दी कि हम इन मांगों से संतुष्ट हैं और आज हम अपना धरना स्थगित कर रहे हैं। इस तरह से गाँव में माहौल खराब हुआ था पिछले साल सितंबर के महीने में, तो उसके बाद मुझे उस शुरू में था कि भाई उस समय प्रशासन इतनी गौर नहीं कर सकया, इतना मतलब अच्छे से काम नहीं कर सकया कि इस तरह के हालात उस समय पैदा हुए, लेकिन धीरे 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 जितना हमारा लंबा आंदोलन चलता रहा, सरकार पे प्रशासन पे प्रेशर रहा, तो काफ़ी सुधार आज मतलब काफ़ी सुधार हुआ है उस चीज़ में, और आगे हमने अपनी तरफ से भी, जो हम पीड़ित वर्ग के लोग हैं, हमने अपनी तरफ से भी हमने ये प्रशासन को जताया कि भाई भविष्य में हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी और आप भी कोशिश करें कि गाँव में शांति और अमन बना रहे जी।